बहन है, चलिए हाँ लक्ष्मी बहन आइए, लक्ष्मी बहन जरौली सेवा केंद्र से अपना अनुभव सुनाएंगे, आइए। सेंटर में तो 2002 से शुरू किया था, 2002 में शुरू किया था सेंटर में रहना, यहाँ नहीं रायबरेली से रहना शुरू हुआ था हमारा, और लंबा समय हम बिताया, इसके बाद इधर आना हुआ, लेकिन अभी तो भट्टी का अनुभव है। तो हमारे यहाँ 26 जून को प्रोग्राम हुआ था और मैसेज पढ़ा कि अभी 1, 2, 3, 4 तारीख तक भट्टी का प्रोग्राम, उसके बाद बीपी लो हो गया, हाथ पैर चक्कर बहुत आ रहे थे, तो तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन संकल्प आ रहा था कि अभी भट्टी भी है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, अभी चक्कर भी आ रहे हैं, उठ के बैठने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो 1 तारीख को जब शाम को दोपहर में ममता बहन का फोन आया है और उसका आज शुभारंभ होगा, तो हिम्मत किया, हमने कहा ठीक है आएंगे शाम के, आए यहाँ, थोड़ी देर योग हुआ और दीप प्रज्वलन हुआ, तो जैसे योग में बैठे वैसे ही थोड़ा सा अनुभव हुआ कि जैसे बाबा ने अंदर से एनर्जी दी और जो सर घूम रहा था वो स्थिर हुआ और ताकत आई, तो प्रोग्राम निपटा, फिर चिंता होने लगी, गए यहाँ से तो ये हुआ कि अब कल कैसे बैठेंगे, कल तो बहुत लंबा समय बैठना है, लेकिन जब यहाँ आए बैठे तो पता ही नहीं चला कि बदन में शरीर में सर में कुछ दर्द भी था, और यहाँ बैठे थे दादी बैठी हुई थी सामने, तो 1 सेकंड के लिए जैसे ऐसे अनुभव हुआ कि बाबा दादी के आधार से एनर्जी का पावर हमें दे रहा है, और थोड़ी देर में मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे शरीर में हम है ही नहीं है, तो इतनी देर में मेरे शरीर वो भी था पहले का जो कष्ट था तकलीफ थी वो 1 सेकंड में मिट गया, और ये 3 दिन अभी हुआ, 1 भी सेकंड में दर्द तकलीफ सर का घूमना कुछ नहीं, और 3 दिन की भट्टी बहुत अच्छी गई। कल हम लोग बैठे थे और सभी लोग योग कर रहे थे, ये चित्र सामने लगा हुआ था, तो हम मेरे मन में विचार आ रहा था कि बाबा जैसे कहते ना राजधानी तैयार हो रही है, हम सब बच्चे एक ही राजधानी के राज्य करने वाले, एक ही परिवार में रहने वाले, एक ही संगठन एक ही संकल्प में चलने वाले हैं, तो ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि हम एक ही परिवार में, और इस परिवार की जो एक मुखिया है हमारी हमारी दादी जी हैं, और उनकी छत्र छाया में उनके संगठन में उनके सानिध्य में हम सब बैठे हुए,